अपना PWD का ऑफिस इंद्रलोक में। मैं आपका आकाश कुमार त्रिपाठी, आपका दोस्त। इंटर्नशिप के लिए हम DSU पूसा कैंपस से आए हैं, तो हमें वहाँ से इंद्रलोक भेजा गया। इंद्रलोक से हम PWD के ऑफिस गए और उसके बाद केशवपुरा आए हैं। केशवपुरा में आके हमें रोड डिवीज़न के बारे में बताया जा रहा है। तो रोड डिवीज़न क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोलता कि हम रोड डिवीज़न कैसे बनता है और क्या क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ आके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये फॉर्म है जो मेरे सर ने हमें दिया है कि मतलब रोड डिवीज़न क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोड बनाने का तरीका मतलब 60 फीट यानी 60 फुट होता है जिसकी वेट, और उसमें डिवाइडर, पिलर, ये सब उसमें बताया जाता है। तो रोड में क्या क्या आते हैं, जैसे 2 कार लेन और 1 बस लेन। उसके बाद जो हमारा ये फुटपाथ है, उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज, अंडर फुटपाथ जिसे हम बोलते हैं ड्रेनेज। और जैसे डिवाइडर का काम ये होता है कि हम इस पर पिलर्स बना सकते हैं और भी मतलब कुछ हैवी चीज लोड करने के लिए उसको बना सकते हैं। पानी का बहुत छार होता है, पीछे वाली कार तो धुलती गई है और कोई पीछे भी मारे जा रहा, देखो भाई देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है और वो पानी भी ले भी रहा, देख रहा है। तो जैसा कि मैं आप लोगों ने देखा कि अब तक हमने आपको रोड डिवीज़न के बारे में बताया, आगे की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इस चैनल को।